हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मर्षिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों में से जो मेरा प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं, उन लोगों को आइडिया लग गया होगा कि मैं अपने पर्सनल नोट से आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ जो आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं विलियम लैंगलैंड और जॉन गोवर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम में डेफिनेटली आपसे पूछे जा सकते हैं, जो भी लोग नेट इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो या फिर लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। दोनों ही राइटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले विलियम लैंगलैंड से स्टार्ट करते हैं गाइज। फर्स्ट वन, द लिटरेरी हिस्टोरियंस हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड आउट मच अबाउट लैंगलैंड्स अर्ली लाइफ। लैंगलैंड की अर्ली लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है लोगों को। हाउएवर, ही इज़ वाइडली नोन फॉर हिज पियर्स द प्लोमैन। उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं, पियर्स द प्लोमैन अ विजन। इट इज़ वेरी लॉन्ग पोएम रनिंग इन टू ऑलमोस्ट 15,000 लाइन्स। जॉट डाउन कर लो कि जो इनकी जो पोएम है, ये वाली जो पोम है, इनकी लॉन्ग पोम है और साथ में 15,000 लाइन्स से मिलकर ये पोम बनी है। ओके, अकॉर्डिंग टू लॉन्ग, ट्रूथ, सिंसियरिटी, अ डायरेक्ट अपील टू कंसाइंस एंड अ विजन ऑफ राइट ट्रम्फियंट ओवर रॉन्ग, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ऑल प्रोफेसी एंड इट वॉज अनडाउटेडली दीज एलिमेंट्स इन पियर्स द प्लोमैन दैट प्रोड्यूस सच एन इम्प्रेशन ऑन द पीपल ऑफ इंग्लैंड। अब लॉन्ग क्या बोलते हैं, आई गेस ये विलियम जे लॉन्ग की ही बात हो रही है यहाँ पे। लॉन्ग क्या बोल रहे हैं, जो भी ये डेफिनेशन मैंने आपको दी है ट्रूथ और सिंसेरिटी के ऊपर, ये पूछी जा सकती है एग्जाम में। और उनका कहना ये है कि पियर्स द प्लोमैन प्रोड्यूस की गई है इसी तरीके के इंप्रेशन से और लोगों के ऊपर भी इसी तरीके का असर वो डालती है। ठीक है, आई एम रिपीटिंग दी लाइन्स अगैन। ट्रूथ, सिंसियरिटी, अ डायरेक्ट अपील टू कंसाइंस एंड अ विजन ऑफ राइट ट्रम्फियंट over wrong, these are the elements of prophecy and it was undoubtedly these elements in Pierce the Plowman that produced such an impression on the people of England. England ke logo ki yahan pe baat ki gayi hai ki jo major impression hai wo England ke logo par hi pada tha is work ka. Theek hai, next come to John Gower. Again bahut hi zyada important hai ye bhi. गोवर्स फैमिली हैज़ यॉर्कशायर ओरिजिन एंड कैंट कनेक्शन। इनका जो कनेक्शन है वो यॉर्कशायर से है और कैंट से है। गोवर की फैमिली के बारे में यहाँ बात की गई है कि गोवर की जो फैमिली है उनका कनेक्शन कहाँ कहाँ से है। उनका जो ओरिजिन है वो कैंट से कनेक्शन रखता है और यॉर्कशायर से कनेक्शन रखता है। इट इज़ बिलीव दैट ही हैड अ ट्रेनिंग इन लॉ एंड दैट ही हैड बीन बेस्ड इन लंडन फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने लॉ की ट्रेनिंग ली थी और उन्होंने अपनी लाइफ का एक मेजर पोर्शन कहाँ पे बिताया है, लंडन में बिताया है। ओके, फ्रेंच, सॉरी, He wrote extensively in three languages. ये पूछा जा सकता है कि कौन सी तीन languages में उन्होंने extensively लिखा है, French, Latin and English. ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि French, English and Latin में उन्होंने लिखा है। He composed his King Kent ballads around 1374. Around 1374 उन्होंने अपनी ballads लिखी। Between 1376 and 78 he wrote Mirror de la Homme, another French book on the subject of fallen men, his vice and virtues. उन्होंने fallen men की vice and virtues के ऊपर भी एक बहुत ही important work produce किया है। कब किया है? Between 1376 and 1378 में. Okay? This book contains octosyllabic 12-line stanzas. ये पूछा जा सकता है कि book के जो मतलब किस तरीके से book के अंदर वो हेडलाइंस हैं, तो आपको बताना है कि वो ऑक्टोसिलेबिक है। ऑक्टोसिलेबिक 12-line स्टैंजास में जो पोएम है वो कंपोज की गई है। हिज लेटिन पोएम इज वॉक्स क्लेमेंटस द वॉइस ऑफ वन क्राइंग। वॉक्स क्लेमेंटस का मतलब क्या है? द वॉइस ऑफ वन क्राइंग विच वॉज कंपोज बिटवीन 1379 to 81। 1379 से लेकर 81 के बीच में ये वर्क कंपोज किया गया है। It deals with the subject of political governance and the disturbances during the reign of Richard II. किस चीज से ये वर्क डील करता है? Political governance और जो disturbances चल रही थी during the reign of Richard II. Richard II के टाइम पर, popularly known as Peasants Revolt. और इसी को Peasant Revolt का नाम भी दिया गया है. Okay? Confessio Amantis 1390 में लिखा गया. In his English poem, is his English poem. उनकी English poem है. कौन सी है? Confessio Amantis. Wherein he recounts the experiences of a lover's confession and instruction, जिसमें वो एक लवर के confession और instructions के बारे में बात कर रहे हैं। His anti-war sentiments find expression in his poem. उनके जो anti-war, like वो war पसंद नहीं करते थे, तो उनके जो anti-war sentiments हैं वो कौन से work में हैं? In praise of peace, which he addresses to Henry IV. Henry IV को वो ये वाला जो work है वो address कर रहे हैं और ये anti-war expressions को दिखा रहा है
जॉन गोवर के, दैट मीन्स जो वर्क होते हैं, मैंने पहले भी बताया कि कोई भी राइटर, चाहे वो पोएट हो, चाहे वो ड्रामेटिस्ट हो, चाहे एक्स वाई जी कुछ भी हो, उनके वर्क्स में आपको पता चल जाता है कि उनके जो आइडियाज़ हैं, उनकी आइडियोलॉजीज, उनके नोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनके एक्सप्रेशन, सब कुछ आपको उनका वर्क बता देता है कि वो किस टाइप के इंसान हैं, ठीक है, और क्या उनकी लाइफ के सोशल एक्सपीरियंसेस रहे हैं या फिर पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो बैकग्राउंड स्टडी में हम यही सारी चीज़ें पढ़ते हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछी भी जाती है। प्लस अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हो या फिर लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी बड़ा एग्जाम दे रहे हो, तो भाई आपको एटलीस्ट इतना बेसिक तो पता होना चाहिए कि सोशल बैकग्राउंड और क्या नाम है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस कितने मैटर करते हैं किसी भी राइटर के, ठीक है, और कौन से टाइम पर उन्होंने क्या चीज लिखी थी। एटलीस्ट मेजर और माइनर वर्क्स की नॉलेज रहनी चाहिए। प्रोसीडिंग फर्दर, गोवर अर्न्ड अ ग्रेट रेप्यूटेशन आफ्टर हिज डेथ। उनको उनकी मौत के बाद एक्चुअल रेप्यूटेशन या एक्चुअल रिस्पेक्ट मिला, एंड हिज नेम वॉज फ्रीक्वेंटली कपल्ड विद दैट ऑफ चौसर एज फाउंडिंग फिगर ऑफ इंग्लिश पोएटिक ट्रेडिशन। और उनका नाम दी फेमस जेफरे चौसर के साथ एसोसिएट किया गया फाउंडिंग फिगर ऑफ इंग्लिश पोएटिक ट्रेडिशन को लेकर। ही इज रिप्रेजेंटेड एज अ फिगर ऑफ द ओल्ड पोएटिक अथॉरिटी इन शेक्सपीरियन प्लेस पेरिकल्स। हिज लिटरेरी रेप्यूटेशन डिक्लाइन फ्रॉम द 18th सेंचुरी। उनकी जो लिटरेरी रेप्यूटेशन थी वो 18th सेंचुरी से नीचे होनी यानी डिक्लाइन करनी स्टार्ट हुई ऑनवर्ड्स, एंड ही रिवाइव्ड इन रीसेंट ईयर्स, ठीक है। एंड अगैन उनको आज के टाइम पर भी हम एज एन इम्पॉर्टेंट राइटर पढ़ते ही पढ़ते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैंने आपको विलियम लैंगलैंड और जॉन गोवर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उनके वर्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव साबित हुआ है ना, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हो, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि आपके एग्जाम से पहले पहले वो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ। एंड आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, कृधा इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज़ के नाम से मेरा पेज है। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी तैयारी जोरों शोरों से रखो, एंड प्लीज़ 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 एंजाइटी का शिकार बिल्कुल भी नहीं होना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, सब कुछ आता है, सब कुछ कर लेंगे बहुत ही अच्छे से। सो या बाय, ऑल दी बेस्ट, बाय।